पक्ष में रखा गया। ये कल दिल्ली के मुख्यमंत्री 228 करोड़ रुपए की सीवर लाइनों का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और उसी के लिए एक ये मीटिंग रखी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग धन्यवाद करने के लिए वहाँ पहुँचे मुख्यमंत्री का। दिल्ली सरकार में आपकी सरकार है, आप आम पार्टी और ये निगम पे लड़ने जा रहे हैं, तो ये किस उपलक्ष में आप लोग लड़ रहे हैं और क्या मुद्दे हैं इनके? हमारे पास तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जो इन लोगों ने नगर निगम के अंदर 15 साल से बीजेपी है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। एक मकान बनाओ, एक मकान बगैर पैसे दिए नहीं बनता, तो ये चीज़ें भ्रष्टाचार को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 100% हम आम आदमी पार्टी सरकार नगर निगम में बनेगी, क्योंकि लोग बीजेपी से परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। आप जिस वार्ड में आए हैं 128 वार्ड में, इस वार्ड से भी अभी कई आपका काउंसलर है आम पार्टी का, तो अभी भी यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई मकान, कोई एक आदमी अगर ये बता दे कि पैसे लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं लिए जाते। उपस्थित हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे दोस्तों और आए हुए हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट आए हुए जो आपके सामने एक पदयात्रा निकाल के एक प्रचार कर रहे हैं, ये कल 5 तारीख को केजरीवाल जी आने वाले हैं, घर घर जाके आपको बता रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल आया है, दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं कि इसको भैया जहाँ काम करता है काम करने भी नहीं दे रहे। एक अधिकारी IAS IPS लेकर आते हैं, एक दो महीने में जब वो फाइलें तैयार करते हैं तो CBI का छापा डलवा के CM हाउस में फाइलें उठा ले जाते हैं और उस अधिकारी का ट्रांसफर कर देते हैं। सभी लोगों को पता है इस चीज का, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि सब पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल काम करने वाला है, काम करने के लिए आया। जब से इस क्षेत्र में 20 साल से MLA रहे हैं, पानी के लिए लोग तड़पते थे, ये वही पानी है, ना हमने हरियाणा से ज्यादा लिया है ना पंजाब से ज्यादा लिया है, वही पानी है, लेकिन नियत में फर्क था। आपको पानी टैंकरों से पिलाया जाता था, लेकिन आज जब से केजरीवाल जी आए हैं, उत्तम नगर में नहीं पूरी दिल्ली के अंदर घर घर टूटियों में पानी पहुंच रहा है। ये उत्तम नगर के अंदर 300 टैंकर आते थे, आज 4 टैंकर आ रहे हैं दिन में, 296 टैंकर हमने बंद करवा दिए विधायक जी ने, क्योंकि एक दिन में कम से कम 40,000 का विधायक जी के घर में फट जाता था। जो टैंकर वहां से 300 आते थे, 200 टैंकर लोगों को घर में पहुंचते थे, 100 टैंकर की झूठी एंट्री होती थी, पर टैंकर 400 रुपए होते थे, एक महीने के अंदर 12,00,000 विधायक खाता था। खाना तो ये भी जानता था, लेकिन नियत ठीक है। विधायक जी ने आते ही सबसे पहले टैंकर कटवाए और घर घर में पानी भिजवाया, और उसके बाद पहले आपके जो पानी के बिल आते थे, केजरीवाल सरकार आने के बाद आपको किसी के पानी का बिल देने की जरूरत नहीं थी। जिस भाई बहन का पानी का बिल किसी का 40,000 का था, किसी का 10,000 का था, मेरा भी 60,000 का था, किसी का 1,00,000 का था, पूरी दिल्ली के अंदर पानी का बिल माफ किया गया था, एक स्कीम निकाली थी, ये आप सब लोगों को पता है। और आज किसी के भाई पानी का बिल भी आ रहा है तो हम कहते हैं भरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ अधिकारी थोड़ी सी शराब कर देते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी पर घर हमने माफ कर रखा, ये केजरीवाल जी की देन है। आपने कल पढ़ा होगा कि मजदूर लोगों के लिए दिहाड़ी बहुत कम थी, वो भी LG के यहाँ से फाइल पास हो गई है, 13,000 से 16,000 रुपए महीना उन लोगों की भी तनख्वाह बना दी गई है जो मजदूरी दिहाड़ी पे जो लोग जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया गरीबों के लिए। और आपको एक नई खुशखबरी बता दूं कि दिल्ली के अंदर जैसे ललिता, जैसे जयललिता जी ने अपने यहाँ अन्ना रसोई चालू कर रखी थी, वैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी रसोई केजरीवाल जी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 5 रुपए में भरपेट खाना खाया जाएगा, ये बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए।